हेलो दोस्तों, आज मैं खेल रहा हूँ ग्रेनी मोड। और ग्रेनी भाई फॉग मोड है, मतलब कि कोहरा पड़ चुका है ग्रेनी की हाउस के अंदर। और मैं आज स्केप करने वाला हूँ डोर स्केप। तो मुझे एक बुक मिल चुकी है, इससे मुझे एंजेलिना के पास जाके लगाना पड़ेगा। और भाई ग्रेनी कोहरे के अंदर अंधी हो जाती है, मतलब कि मेरे को मारेगी नहीं, क्योंकि भाई ग्रेनी ना अब कोहरे के अंदर अब मतलब कि दोस्त बन चुकी है एक तरह से, देख मान लीजिए। क्योंकि अभी वो मारेगी नहीं, क्योंकि अब वो मेरे साथ देखेगी चली जाएगी पर मारेगी नहीं। मतलब कि पहले बात देखो, ग्रेनी मारती है तुरंत देखने के बाद, पर इस बार नहीं करेगी, क्योंकि कोहरा जब पड़ जाता है तो ग्रेनी अपना संन्यास ले लेती है। तो चलिए उसी संन्यास का मैं फ़ायदा करूँगा और यहाँ से निकल लूँगा। मुझे बुक को यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर मुझे स्पाइडर की मिलेगा। तो चलता हूँ अभी नीचे की तरफ, और अभी और कुछ देखना है, क्योंकि मुझे यहाँ से डोर स्केप मेन गेट स्केप करना चाहे तो मेन गेट स्केप यहाँ से करूँगा। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन मैंने ऑन कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी गेम पर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो देखो भाई, चारों तरफ तो कोहरा है भाई, ये कोहरा ग्रीन कलर का हो चुका है। इसका मतलब मेरे को थोड़ा सिग्नल मिल चुका है कि आप यहाँ से स्केप कर सकते हैं, ग्रेनी का कोई ख़तरा नहीं। अगर यहीं पर रेड कलर होता तो ख़तरा रहता, तो मैं ग्रीन रेड वाला दोनों लाऊंगा। अभी मैं ग्रीन वाला खेल रहा हूँ, और अभी ड्रॉ को देखा तो कुछ नहीं मिला। और ये शॉट गन है भाई, मतलब कि शॉट गन की पार्ट है, तो अभी मुझे शॉट गन की पार्ट की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, मुझे शॉट गन की अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे वेपन की मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ड्रॉ चेक करते हैं, बाकी चलते हैं फिर नीचे पूरा स्केप करते हैं। और वीडियो में बने रहिए प्लीज़। तो अभी देखो, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन हो चुका है, तो भाई रेड कलर हो चुका तो होगा तो समझ लीजिए कितना खतरा होगा। तो फिलहाल के लिए अभी मुझे ग्रीन मिल चुका है। अगर यही येलो कलर हो जाता, मतलब कोहरा पड़ जाता, तब तो भाई स्केप भी कर सकते हो ना स्केप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन हो सकता है। उस समय ग्रेनी आपको मार भी सकती है, नहीं भी मार सकती है, वो ग्रेनी के मोड का ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक सीक्रेट बटन है, देखो ये दरवाज़ा खोलता हूँ और एक इसके अंदर मशीन है। तो देखो ये मशीन को अंदर मतलब कि फॉग निकलेगा वाइट कलर का, इसको ऑन करते हैं यहाँ से। और देखो, अगर ग्रेनी मेरे पास मारने के लिए आई तो मैं उसको जाके पीछे छुप जाऊँगा, तो इतना काम होगा इस गेम के अंदर। देखो यहीं से जाके छुप जाऊँगा और उस तरफ कोई नहीं देख पाएगा, मतलब कि मेरे को कोई नहीं देख पाएगा। देखो कितना धुआं धुआं हो चुका है। तो चलता हूँ आगे की तरफ, अब मुझे यहाँ चलना है ये ऊपर की तरफ। एक सेकेंड, उससे पहले कार को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी देर से हो चुका हूँ यहाँ पे आया हूँ। अब मुझे चलना चाहिए आगे की तरफ, जहाँ से मुझे आइटम मिलेगा और वहाँ से स्केप करूँगा। और यहाँ पे नेट सेफ की मिलेगा, इसको हटाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। इसके अंदर कभी कभी कुछ रहता है। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर रिमोट देखने को मिला, तो इस रिमोट को मैं उठा लेता हूँ और इस रिमोट को कंट्रोल करता हूँ एक गेट को। चलता हूँ भाई, ग्रेन आ चुकी है तो हेलो, तो मार नहीं पाएगी क्योंकि ग्रेन मोड है अभी, मतलब कि अपना टाइम चल रहा है इस बार, तो ग्रेन अभी मार नहीं जाएगी। तो यार यही पर रेड होता है, भाई ग्रेनी मेरे को मार देती। तो काम करते हैं, पहले इसको दरवाजे को ओपन करते हैं। ग्रीन रेड बहुत हो चुका, अब यहाँ से मुझे स्केप करना है। तो कभी भी ग्रीन से रेड हो सकता है, तो ग्रेनी मेरे को टपा दे। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, बस पेपर स्प्रे होगा। वो इस पेपर स्प्रे का देखो कमाल बताऊँ क्या होगा। देखो आप लोग को कमाल दिखाता हूँ, ये देखो। ओ भाई ग्रेनी की अंधी हो चुकी है, ठीक। ओ भाई, ओ भाई ग्रेनी कैसा हाथ लगा लेती है अपने आँख के ऊपर, मतलब कि इस पेपर का यूज। यहाँ पर मुझे पेडलॉक की लगेगा और ऊपर कुछ नहीं है। और यहाँ पे कटिंग प्लायर और यहाँ पे आइनिडा हैमर चाहिए, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के चार चीज चाहिए, एक मास्टर की मेन गेट है। तो चलता हूँ, और देखो मुझे इस पेपर स्प्रे को ग्रेनी के ऊपर अगर छिड़कते हैं तो कुछ देर के लिए अंधी हो जाती है, पर अभी मुझे इसे काम नहीं है तो इसको मैं फेंक दूँगा। तो देखो मैं अभी बाहर आके दिखा रहा हूँ आपको कि कितना ढेर सारा कोहरा है, वो भी ग्रीन कलर का। आप लोग को वाइट कोहरा देखेंगे पर ग्रीन कोहरा नहीं देखेंगे। और इससे मुझे एक मेलन मिलेगा उसको काटने के लिए। तो यहाँ पर दरवाज़ा खोलता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो भाई इसके अंदर बर्ड सीड से, चलो उस चिड़िया को मैं बीज खिलाता हूँ और तभी उसके पास एक की होगा तो वो की मैं ले लूँगा। तो यहाँ से सीक्रेट बटन है, तो यहाँ मतलब सीक्रेट जगह है, इसको हटाते हैं, इसके अंदर पहुँच जाते हैं। तो अभी मैं पानी के अंदर आ चुका हूँ, ये मतलब कि गटर है अंदर नीचे का, मतलब इस हाउस के नीचे जो पानी, जितना गंदा पानी रहता है ना, इसके अंदर आता है ये गटर, एक तरह से मान लो तो गटर ही है। गटर काफ़ी बड़ा है और गटर के अंदर बस सीक्रेट डोर है, ये रहा डोर। और इस मुझे इस डोर को खुलासा करना है। तो देखो इस डोर को, उसके अंदर कभी कुछ कुछ है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे ओपी डोर या डोर कमेंट कर दीजिए ना, तो मैं इसको तभी खोलूँगा जब आप लोग कमेंट करेंगे, नहीं तो इसके अंदर हम जाएंगे नहीं। और इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आप लोग पहले नहीं बताएंगे, और इसमें कुछ ऐसे ग्लिच ट्रिक बताऊँगा आपको, जो कि काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को। तो चलता हूँ मैं आगे की तरफ, और इसको भाई कटिंग प्लायर मिल चुका है, इसको काटते हैं। जो मेन गेट है ना, उसके अंदर एक तार है, उसको करना पड़ेगा।
चलता हूँ मेन गेट के पास और उसको काटने के लिए। तो यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा आइटम, तो यहाँ पे कोई की दिखने को मिल रहा है, लग तो ऐसा रहा जैसे कार की होगा। चलता हूँ ऊपर की तरफ और ऊपर चलने से पहले इसको चल लूँगा गेट के पास, ऐसे ऊपर होके जा रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रेनी आ चुकी है। तो चल भाई, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, इसको काट देते हैं। हो गया अपना काम, बन गया, एक चीज़ कंप्लीट हो गया। अब मुझे हैमर चाहिए, तो हैमर अभी मुझे एक की देखने को मिला। चलता हूँ की उठाता हूँ और देखता हूँ उसके अंदर क्या मिलेगा हमको। तो की वहीं ड्रोवर के अंदर पास था, तो मैं चल रहा हूँ और की को उठाता हूँ, देखता हूँ आपके क्या मिलेगा। तो ये कार की है, तो कार के जो पीछे बोनट रोटा है ना, उसको ही खोलना पड़ेगा और इसके अंदर बैठते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर तो अभी कुछ नहीं है और यहाँ पे एक बटन भी है, इसको दबाते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, एक बस सिलेंडरीना का गुड्डा है, तो और कुछ नहीं होगा। भाई आप लोग लाइक नहीं करते ना चैनल सब्सक्राइब करते, पता नहीं आप लोग कैसे लोग हैं यार। तो मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगेगा, मैं और ऐसे गेम प्ले वीडियो बनाऊँगा, इससे और इंटरेस्टिंग, इससे और हार्ड, इससे और मज़ेदार फनी वीडियो लाऊँगा। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसा। तो चलता हूँ इसको बोनट को लगाता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे खुद नहीं पता। तो भाई हैमर मिला है और इस हैमर को मुझे यूज करना है डोर के पास। तो चलो जल्दी चलते हैं बिना किसी देरी के और तुरंत चलते हैं। भाई ग्रेनी जा रही है, किसी दिन हम कहो तो ग्रेनी को टपकाते हैं, फांसी लटका दे ग्रेनी को, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। और हम इस गेम के अंदर ग्रेनी को टपकाएंगे वो भी शॉटगन से। तो देखो यहाँ पे पेडलॉक की लगेगा, पेडलॉक की कहाँ पे मिलेगा मुझे वो भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऊपर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी कुछ आइटम रहेगा, तो वहाँ पे जहाँ पे एक स्पाइडर रहता है, तो स्पाइडर की जगह बनाया जाना है उससे एक कदम नीचे ही। तो यहाँ पे इस प्लैंक को तोड़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो प्लैंक तोड़ दिया मैंने और यहाँ पे भाई मीट है, तो ये मीट कौन खाता मुझे खुद नहीं पता, शायद एंजेलिना खाती है क्या, पर मुझे आज तक पता नहीं चला कि मीट कौन खाता है, वो ग्रीनी आ चुकी है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे ऐसे चला जाना है और इसके अंदर होके जाना पड़ेगा, ये छोटा सा जेल है भाई ग्रेनी के अंदर में, हाउस के अंदर जेल भी है कुछ। मैं ऐसे ही वीडियो एक दिन ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्रेनी के बारे में आप लोग कभी सोच नहीं कि ऐसा ऐसा हो सकता है ग्रेनी के अंदर। तो इसको मैं स्क्रू हटाता हूँ और इसको बैठाता हूँ और गेट खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे सेब की मिल गया। ठीक है, वो सेब की मैंने कटिंग प्लान लाया, काटा और सेब की मिल गया। तो मैं चलता हूँ यहाँ से, कूद जाता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि ये सीक्रेट सब प्लेस है, मैं आपको रिवील करता हूँ, मतलब कि आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग खेलते होगे तो प्लीज़, अगर जैसे ऊपर फंस जाते हो तो आप लोग इधर से आ जाइए। तो अभी सेफ को नीचे यूज करूँगा जहाँ छोटा सा तिजोरी है, हो सकता है तिजोरी में कभी पैसा नहीं रखती ग्रेनी। और यहाँ पे रसर पेडलॉक की है, तो ये पेडलॉक की मुझे बेसमेंट में जब इसके करूँगा तब मिलेगा। और ये मास्टर की मैं लेके आ चुका हूँ, तो इस मास्टर की को लास्ट में लगेगा, उससे पहले मुझे पेडलॉक की लगेगा, तो इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। चलता हूँ पेडलॉक की लेने, और पेडलॉक की भाई वाटर मेलन में है, तो इस वाटर मेलन को काटूंगा, इसके अंदर पेडलॉक की मिल जाएगा। तो आज हम स्केप ही कर चुकेंगे और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाला ऑन पे कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कैंप वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। प्लस आप लोग वीडियो देखते हो पता नहीं क्या होता, आप लोग लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हो, पता नहीं क्या, आपकी मर्जी भाई, आप करो या ना करो हमें कहना पड़ता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, तो बाय बाय।